केरल की राजनीति का एक दुर्भाग्य रहा है कि पहले एक गठबंधन आता है, पांच साल केरल को लूटता है, फिर केरल की जनता नाराज होकर उसको निकाल देती है, तो फिर पांच साल के बाद दूसरा गठबंधन आता है, वो केरल को लूटता है, फिर जनता नाराज होती है, फिर उसको निकाल देती है, और ये दोनों गठबंधन एक दूसरे के पापों को छिपाने में लगे रहते हैं और नया पाप करने में लगे रहते हैं। लेकिन अब केरल की जनता को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये पांच पांच साल का एक बार नहीं आते थे, अब ये तीसरी शक्ति केरल में उभर कर आई है, ये तीसरी शक्ति का उदय हुआ है। ये केरल में ये जो तीसरी शक्ति दिखाई दे रही है वो शंकर के तीसरे नेत्र जैसी है, जिस नेत्र से बुराइयां